जय हिंद। आज के इस वीडियो में डिफेंस कोटे वाले इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अंडर ट्रेनिंग कैडेट जो होते हैं उनके जो सेवारत यानी सर्विंग रिटायर्ड और जो डिपेंडेंट्स हैं वो उर्सुलो वेबसाइट के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन से सस्ती फ्लाइट टिकट बुक करना, बोर्डिंग पास, बैगेज टैग, ये पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बता रहे हूँ कि आप कैसे इस अपने मोबाइल से ये सब कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा आपके किसी भी एप्लीकेशन में। आप क्रोम में जा सकते हैं या फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ उर्चलो। उर्चलो यहाँ पर मैंने लिखा और लिख के मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये उर्चलो की वेबसाइट यहाँ पे आ जाती है आपके सामने। अगर किसी भी तरह का कोई एड आता हो, कोई विज्ञापन आता हो तो उस पर क्लिक नहीं करें। ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि गूगल क्रोम में या कई बार ऐसे यहाँ पे ऊपर की तरफ एक एड आ जाता है वेबसाइट का, उस पर क्लिक नहीं करना, बल्कि आपको उर्चलो वाले के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक आपने कर लिया तो यहाँ पर इस तरह की आपके सामने आ जाता है। देखिए ये आपके सामने आता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि आप अपना इसमें अकाउंट कैसे बनाएं, मतलब इसमें लॉगिन करने के लिए इसमें साइन अप करना पड़ता है। वो साइन अप करने का अकाउंट जो प्रोसेस है सबसे पहले आपको ये करना होगा। इसके लिए जैसे कि आप यहाँ पे आपको ये तीन डॉट दिख रहे हैं, इसी तरीके से आपको इन तीन डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप वर्जन का। ठीक है, बात करते हैं गूगल क्रोम की। मान लीजिए कि आपके पास ये नहीं है, गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, गूगल क्रोम, ये गूगल क्रोम में मैंने ओपन कर लिया है, तब भी आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है तीन डॉट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस तीन डॉट पे क्लिक करके ये डेस्कटॉप साइट का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको ये बता देता हूँ कि ये आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये लॉगिन और साइन अप का आपको जो ऑप्शन मिला है कॉर्नर में, आपको इस पर क्लिक करना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको पहली बार जैसे आ रहे हैं तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल भरनी है, नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, आपको कुछ भी बनाना है आप चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे इनवाइट कोड वगैरह भरना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको भर के बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर, उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे gmail.com या फिर आपके पास जो भी ईमेल एड्रेस हो वो लिख दिया मैंने। फ़ोन नंबर जो है वो फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको भरने हैं, जैसे कि ये मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पे भर दिए हैं। पासवर्ड आपको कुछ भी बना लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ठीक है, इस तरीके से पासवर्ड बना लिए। अगर आपके पास बड्डी कोड हो, मतलब आपको किसी ने इनवाइट किया हो, तो इनवाइट वाला कोड यहाँ पे लिख लेना है। इनवाइट वाला कोड लिखने से ये है, जो आपको इनवाइट भेजेगा उसको भी फायदा है और आपको भी कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये अगर आपको इनवाइट कोड आपके पास नहीं हो तो इस वीडियो के अंदर मैं मेरे इनवाइट कोड आपको मैं दे दूँगा, वहाँ से आप ये इनवाइट कोड आप भर सकते हैं। और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ ये तीन ऑप्शन मिलते हैं, इन तीन ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए पहला लिखा है कि आप अगर डिफेंस पर्सन से हैं तो इसको आपको चेक करना है, अगर आप डिफेंस पर्सन नहीं है तो इसको हटा देना है। लेकिन जैसे मैं बात डिफेंस पर्सन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद में सेंड मी ट्रेवल ऑफर्स एंड डील, मतलब ये आप ईमेल के ऊपर आप चाहते हैं फ़ोन नंबर के ऊपर ट्रेवल ऑफर प्राप्त करना तो इस पर क्लिक करें। और सेंड मी बुकिंग अपडेट ऑन व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तब भी आपको इसको ऑन कर देना, मतलब तीनों को आप ऑन कर लें मेरे हिसाब से। उसके बाद में ये जैसे जानकारी मैंने यहाँ पर भर ली है, अब यहाँ पर मैं साइन अप बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्लिक किया
और साइनअप पे क्लिक करते ही आईडी यहाँ पे बन गई है, बहुत इजी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वापस डेस्कटॉप साइट आपने क्या था वो हटा देनी है। हटानी इसलिए क्योंकि आसान रहेगा दिखने में। तो यहाँ पे जैसे कि फिर से ये तीन डॉट हैं, इन पे क्लिक करना है। गूगल क्रोम में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर गूगल क्रोम में होता है। और इन पे क्लिक करने के बाद में ये डेस्कटॉप साइट जो यहाँ पे निशान आया हुआ है इसको हटा देना है। जैसे हटाओगे तो इस तरीके से आसान वाला मतलब इजी जो आपके सामने मोबाइल वर्जन जो है ये ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपका नाम जो है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा जय हिंद के आगे, और उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा फ्लाइट का ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे फ्लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर लोगे तो आपको यहाँ पे वन वे वाला जो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप एक साइड की आप टिकट लेना चाहते हैं तो वन वे पे क्लिक करें। अगर आपको राउंड ट्रिप चाहिए मतलब आपको जाना भी है और आना भी है तो आपको राउंड ट्रिप पे क्लिक करना है। राउंड ट्रिप पे क्लिक करोगे तो आपको जाने की डेट भी लिखनी पड़ेगी और रिटर्न वापस आने की डेट भी आपको लिखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं वन वे टिकट यहाँ पे डाउनलोड करके आपको बताने वाला हूँ, मतलब एक साइड की टिकट। देखिए आपको ये इतना सा ध्यान जरूर रखना है कि ये जैसे मैंने बताया है लॉगिन करने वाला, ये तीन डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप वर्जन पे क्लिक करके आप जब भी मतलब आप, ये तो मैंने पहली बार बताया, अगर आप जब भी दोबारा आप यहाँ पे आते हैं दोबारा डाउनलोड कोई टिकट डाउनलोड करने के लिए टिकट बनाने के लिए तो आपको उसी तरीके से क्लिक करके वैसे आपको पहले लॉगिन ज़रूर कर लेना है। लॉगिन करने से आपके आगे की प्रोसेस में इजी रहता है। तो उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे मैं वन वे पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है, आपको कहाँ से जाना है कहाँ जाना है ओरिजिन में। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डिब्रूगढ़ से जयपुर के लिए टिकट जो है वो बना के यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। डिब्रूगढ़ मोहनवाड़ी एयरपोर्ट जो है ये क्लिक किया मैंने, और डेस्टिनेशन जो है ये मैंने जयपुर कर दिया, मतलब डिब्रूगढ़ से जयपुर, ठीक है। ट्रेवल डेट जो है यहाँ पे ये कैलेंडर है इस पे क्लिक कर देना है, और कैलेंडर में से डेट कोई भी आपको ले लेनी है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन यहाँ पे सफ़र करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एडल्ट की बात कर रहा हूँ, एक ही टिकट यहाँ पे डाउनलोड बुक करूँगा। आप चाहें तो यहाँ से एक से ज़्यादा टिकट है वो कर सकते हैं। बच्चे हैं या कोई इन्फेंट्स हो, मतलब 2 साल से छोटा कोई बच्चा हो वो आएगा यहाँ पे। 2 से 12 साल का बच्चा कोई हो तो वो इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है। 12 साल से ऊपर का जो है वो एडल्ट के अंदर आपको यहाँ पे करना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे एडल्ट की एक टिकट की ही बात करूँगा, तो ये हो रखा है पहले से। और अगर आप डिफेंस पर्सन हैं तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, अब आपको यहाँ पे सर्च फ्लाइट वाला ऑप्शन मिल गया, इस पर आपको क्लिक करना है। सर्च फ्लाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्विंग, रिटायर्ड और डिपेंडेंट्स तीनों के लिए यहाँ पे ये कैटेगरी दी गई है। मतलब जो सेवारत हैं, सेवा में हैं, या रिटायर हो चुके हैं, या फिर उनके डिपेंडेंट्स हैं, आश्रित जो हैं, उनके लिए यहाँ पे टिकट बुक की जा सकती है। और इसमें डिफेंस वाला जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंडियन आर्मी में, तो डिफेंस वाले जो ऑप्शन है ये आपके सामने आ जाते हैं। मतलब इंडियन आर्मी से हैं, इंडियन नेवी से हैं, एयर फोर्स, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्स और अंडर ट्रेनिंग कैडेट, आप जिससे भी हैं वो आप सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पे इंडियन आर्मी ही सिलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद में यहाँ पे आर्मी नंबर है वो एंटर करने होते हैं। अगर आप जिसे दूसरे किसी आप डिफेंस में हैं, जैसे आप एयरफोर्स में हैं, तो आपको यहाँ पे एयरफोर्स नंबर डाउनलोड इंटर करने होते हैं। जो भी आपको अपने यहाँ पे नंबर एंटर करें, और नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन का मिलता है। नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे आर्मी नंबर है वो एंटर कर दिए हैं, अब मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब आपके सामने ये इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत सारी फ़्लाइट यहाँ पे आपको शो होंगे, आपको देखना है कौन सी फ़्लाइट आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि देखना इसलिए इस तरीके से है, जैसे कि ये यहाँ पे नॉन स्टॉप है, जो 9 बजे यहाँ से रवाना होगी 10:45 पे छोड़ देगी। आप इसको समझ लें ताकि आपको थोड़ा सा अपनी टिकट बुक करो तब आपको आसानी रहे। 1 घंटे 45 मिनट का सफ़र रहेगा, 7,757 रुपये यहाँ पे होंगे। इसके बाद में ये यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन हैं। आपको जो भी टाइम सेट होता हो आप फ्लाइट के जो फेयर भी देख लें कितने कितने रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ही सीट बाकी है। जो भी आप यहाँ पे देखने के बाद में आपको जो भी सेलेक्ट करने हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करके बता देता हूँ क्योंकि ये सबसे कम किराए के अंदर फ़िलहाल ये बताई हुई है। तो इस पे आपने जैसे क्लिक कर दिया, तो क्लिक करोगे तो आपके सामने
इस तरह से आ जाती है। और यहाँ पर आपको पूरा बता देते हैं कि आपका ये तो बेस फेयर होगा, ये आपका टैक्स होगा और टोटल फेयर आपका इतना होगा। उसके बाद में आपको क्लिक करना होता है कंटिन्यू टू ऐड ट्रेवल पे। आप कंटिन्यू टू ऐड ट्रेवल पे क्लिक करेंगे और अब आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना होता है मिस्टर, मिस या मिसेज। तो यहाँ पे जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम लिखना है, पहला नाम लिखना है, मिडिल नेम हो तो ठीक है, और लास्ट नाम आपको ज़रूर लिखना है। स्टार वाली चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया तो आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हट गया, यहाँ पे मिस्टर लगाया था। ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आपका ये नहीं लगेगा तब तक आपकी टिकट नहीं बन पाएगी, आगे नहीं चलेगा, इसलिए ये क्लिक करके यहाँ पे लगा लिया मैंने। अब आपको बताऊँगा कि नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। वर्ष पे जैसे पहले कैलेंडर पे क्लिक करना है आपको, कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ष सिलेक्ट करना, ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आपका ईयर नहीं मिलता हो तो आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ईयर मेरे को मिल चुका है तो ये जैसे कि मैंने कर दिया, ईयर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको महीना सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे जैसे कि महीना मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और महीना सिलेक्ट करने के बाद में आपको डेट सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आता है नीचे की तरफ कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे अपना पहले से मिलेगा ऐड, जैसे कि आपने लॉगिन होके आए हैं तो आपको पहले से मिलेगा, इसलिए आप पहले से लॉगिन होके आए हैं तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे देखेंगे तो आ गई है। यहाँ पे मैंने छुपा रखी है, मतलब इसको हटा रखी है सुरक्षा की दृष्टि से। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है ट्रेवल इंश्योरेंस का, मतलब ट्रेवल इंश्योरेंस आपको अगर लेनी हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। 135 रुपये लगेंगे, बेहतर रहेगा आप ले लें तो यहाँ पे इस पर आप क्लिक कर देवें। और उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिलता है सीट का, मतलब सीट ऐड करने का। तो यहाँ पे सीट वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सीट पे, तो इस तरह से सीट आपके सामने आ जाती है। देखिए यहाँ पे दो बार में यहाँ पे बताया गया, एक तो डिब्रूगढ़ से CCU है मतलब कोलकाता है, और दूसरा है कोलकाता से जयपुर है। तो अलग अलग यहाँ पे सीट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सीट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो इस कलर में, ये सीट अभी आपके यहाँ पे बुक करने के लिए अवेलेबल है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ऊपर की तरफ करके देखूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सीट यहाँ पे बहुत सारी दी गई है। तो जो भी आपको सीट सिलेक्ट करनी है तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, किसी भी एक सीट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जैसे ये पहला वाला डिब्रूगढ़ से कोलकाता है, इसी के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया और इसी के ऊपर मैंने ये एक सीट है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैंने बीच वाली सीट सिलेक्ट करी है। बीच वाली देखिए, बीच वाली सीट के पैसे लगेंगे कम, और विंडो सीट है इसके आपके पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। तो आप यहाँ पे जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। विंडो सीट जैसे कि मैं एक बार विंडो सीट पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये 30 नंबर सीट है जो 30 नंबर रो के अंदर यहाँ पे। तो इस पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे 150 रुपये यहाँ पे बताए हैं, लेकिन जैसे कि बीच वाली सीट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये है तो बीच वाली सीट पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 99 रुपीज़ आया है। तो बस ये फ़र्क रहता है। तो जो भी आपको सीट है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में सेकेंड जो शिफ्ट है उसके लिए, मतलब कोलकाता टू जयपुर जो है, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने पर ये सीटें फिर से ओपन हो जाती हैं। यहाँ से आपको फिर से कोई सीट लेनी है कोलकाता टू जयपुर के लिए, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ये विंडो सीट है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 249 रुपीज़ जो है ये एड हो जाएंगे अपने आप। और उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट वाला बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे सीट वाला जो है ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, ये कोविड PNR एयरलाइन क्रेडिट सेल अगर आपके मतलब हो तो आप यहाँ पे जो PNR है ये एंटर करें बैलेंस चेक करने के लिए। अगर आपकी नहीं हो तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ चलें और डिटेल यहाँ पे आपकी आ जाएगी, एक पैसेंजर है, टोटल बेस फेयर इतना है, टैक्स इतना लग गया है, ट्रेवल इंश्योरेंस इतना है, और कॉन्वेंस फीस इतना है, और टोटल सीट फेयर जो है, सीट मतलब आपने सेलेक्ट किया उसका इतना हो गया, टोटल फेयर आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास अगर कोई कूपन कोड हो, ईमेल वगैरह पर प्राप्त हुआ हो तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
और फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की तरफ आपके सामने ऑप्शन आता है पेमेंट का, किस तरह से आप पेमेंट करने वाले हैं। देखिए आप मोस्टली ज़्यादातर है वो एटीएम कार्ड से करते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं से भी नहीं होता हो तो सबसे मतलब विश्वसनीय तरीका नेट बैंकिंग का, मतलब हर बार फेल होता हो आपका बार बार क्रेडिट कार्ड से, पेटीएम से, यूपीआई से, तो आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपका मोस्टली हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया, उसके बाद में प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया तो इस तरह से ये आता है। यहाँ पर आपको अपने कार्ड की डिटेल एंटर करनी है, कार्ड के नंबर एंटर करना है, कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो यहाँ पे एंटर करनी है, इस तरह से एक्सपायरी डेट लिखी होती है जैसे कि 02/25 इस तरीके से लिखी होती है, वो आपको यहाँ पे इसमें एक्सपायरी वाले में भरनी है। सीवीवी कोड जो होता है एटीएम कार्ड का, आप पलटी करेंगे तो पीछे की तरफ आपको 3 अंकों का सीवीवी कोड लिखा मिलेगा, जैसे कि 872 इस तरह से 3 अंकों का कुछ भी मिलेगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में एटीएम कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ आपका वो लिखना है। उसके बाद में अगर आपको इस एटीएम कार्ड को सेव रखना हो तो मतलब इस पर क्लिक कर दें, बार बार आपको एंटर डिटेल एंटर नहीं करनी पड़ेगी, आप इसको नहीं कर मतलब सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको हटा दें। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको मैंने बताया कि अगर आपके एटीएम कार्ड से नहीं होता और आपने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया हो और फिर आपने प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया हो तो आपके सामने यहाँ पे ये बैंक वाले ऑप्शन आ जाते हैं, आपको अपनी जो भी बैंक है वो सिलेक्ट करनी है और बैंक सिलेक्ट करने के बाद में आपको उस बैंक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ले जाया जाएगा और यहां पर आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरह से आपके सामने ये आ जाता है, मतलब पेमेंट करने के लिए आपको यहां पे ये कंफर्म कर देना है और कंफर्म करने के बाद में आपको यहां पे जो ओटीपी जो आपको पता है ये ओटीपी एंटर करना होता है और ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको यहां पे जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट है वो हो जाता है। और उसके बाद में आपको थोड़ी सी देर रुकना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाया जाएगा या फिर अगर आपको मतलब टाइम लगता हो तो आपको यहाँ पे ये क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से वेबसाइट पे आ जाएंगे, उर्सुला की वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे और अब आपके सामने यहाँ पे इस तरह से डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है डाउनलोड टिकट का, एक आता है ईमेल टिकट और एक आता है सेंड एसएमएस का। जैसे कि टिकट आपके पास डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे डाउनलोड टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टिकट जो है वो, और टिकट आपके सामने इस तरह से आ जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टिकट आपके सामने इस तरह से आ जाती है। आप इसको सेव कर लेने, सेव करने के लिए आप मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट होते हैं, ये जैसे ये तो मैंने ड्राइव के अंदर ले रहे तभी ऐसे आ रहा है, या फिर आप यहाँ पे 3 डॉट आपको मिल जाएंगे वहां से आपको सेव कर लेनी है। उसके बाद में आपको बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सेव होने के बाद में ईमेल टिकट, आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी टिकट जो उसको ईमेल पे भेज लें और सेंड एसएमएस पे आप क्लिक कराएं तो आपके पास टिकट का एसएमएस भी आपके पास आ जाएगा। तो ये तो हुई बात आपके टिकट बुक करने की, अब बात करते हैं आपको डाउनलोड करना होगा वेब चेक इन यानी बोर्डिंग पास आपको डाउनलोड करना होगा। उसके लिए अब आपको यहाँ पे जैसे वेब चेक इन डाउनलोड करने के लिए फिर से यहाँ पे आना होगा, फ्लाइट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है वेब चेक इन का, तो बोर्डिंग पास डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे वेब चेक इन पे क्लिक करना है और वेब चेक इन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास जो टिकट है जैसे कि एयरलाइन जिसकी है, जैसे कि अभी भी अपन इंडिगो की आपने बनाई है तो आप जैसे यहाँ पे एयरलाइन पे क्लिक करेंगे और वो आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं इंडिगो सिलेक्ट करता हूँ, आपका जो भी हो सिलेक्ट करें और प्रोसीड का बटन मिलता है नीचे की तरफ, आपको इस पर क्लिक करना है और अब आपके सामने यहाँ पे इंडिगो की जो वेबसाइट यहाँ पे ये ओपन हो गई है। टिकट का जो पीएनआर नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, ईमेल या फिर आपका लास्ट नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे कि टिकट का पीएनआर नंबर जो होता है वो टिकट के बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है, जैसे कि ये टिकट है तो यहाँ पे एयरलाइन पीएनआर आपको दिखा हुआ मिलेगा, आपको ये पीएनआर आपको इसके अंदर एंटर करना है। तो पीएनआर भर दिया और आपका ईमेल आईडी भर दिया या फिर आपका नाम का जो लास्ट नाम है, जैसे यहाँ पे मैंने अपना अली लिखा था वो अपना आपको लास्ट नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपको चेक इन वाला बटन है इस पर क्लिक करना है तो आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। अब आपको यहाँ पे जैसे कि सीट आपके अगर सिलेक्ट नहीं की हुई है तो आपको पहले सीट सिलेक्ट करनी होगी और आपके अगर सीट सिलेक्ट करी हुई है तो आपको यहाँ पे सीधा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑटो असाइन सीट है, जैसे सीट सिलेक्ट नहीं करी हुई हो तो आप यहाँ पे ऑटो असाइन सीट वाला है इस पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये डिटेल इस तरह से आती है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एज लिखनी है, उसके बाद में आपको ये डिक्लेयर जो है ये इस पर आपको क्लिक करके आपको ये घोषणा करनी है, जरूरी है।
पिन कोड आपको लिखना है और एड्रेस लाइन लिखनी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना की वजह से ये जरूरी है। पिन कोड भी लिखना है, पूरा एड्रेस आपको लिखना है जहाँ पे आप अपना घर जा रहे हैं वो एड्रेस। फिर डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिल जाता है आपकी डिटेल जो आ जाती है, जैसे कि आपने डिटेल यहाँ पे भर दी है। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ जो एग्री एंड कंटिन्यू का बटन मिलता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको ये इन पे क्लिक करके इनको चेक कर लेना है। एग्री और कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाता है वेब चेक इन इज सक्सेसफुल। जैसे कि मान लीजिए आपके पहले सीट सिलेक्ट नहीं करी हुई है तो आपको यहाँ पे सीट सिलेक्ट करनी जरूरी है, और सीट सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सीट सिलेक्ट वाले पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे पहले मैंने सीट सिलेक्ट करके बता दी थी, अगर आपकी नहीं है तो आपको यहाँ पे करनी है। जो यहाँ पे रुपए का सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको सीट सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे ये अलग अलग यहाँ पे पार्ट वाइज यहाँ पे सीट आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में जैसे कि ये सीट आपने सिलेक्ट कर ली तो फिर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। हालांकि मैंने इस वीडियो में पहले से सिलेक्ट करके बता रखी है, ये इसलिए बताई है क्योंकि कई बार जब आप टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे पहली बार जब वहाँ पे सीट सिलेक्ट नहीं होती है तो आपको यहाँ से इसका पेमेंट कर देना है और ये सीट सिलेक्ट कर लेनी है। और आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इस तरह से आपके सामने यहाँ पे चेक इन का यानी आपका बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे चेक इन वाले पे क्लिक करना है, और क्लिक करने पर ये आपको कोरोना की वजह से हेल्थ एंड कॉन्टैक्ट डिक्लेरेशन ये करना जरूरी है। मतलब हेल्थ की डिक्लेरेशन घोषणा देना जरूरी है। मतलब ये कुछ आप इनको पढ़ लेवें कि आप कंटेनमेंट जोन से नहीं है, आप ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वारंटाइन नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए, आप पढ़ लेवें। उसके बाद में यहाँ पे आपको कंटिन्यू एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने ये आ जाता है कि आपको बैगेज आपके पास हो, बैग हो तो उसके लिए आपको बैगेज जो है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है, बैगेज का जो टैग हो वो। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक किया आपने एड चेक इन बैगेज नाउ, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से आ जाता है। आपको यहाँ पे बैग सिलेक्ट करना है, कितने बैग हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बैग की बात कर रहा हूँ, एक बैग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 किलो का बैग यहाँ पे है, तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, एक बैग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आ जाता है जनरेट बैग टैग, तो इस पर क्लिक कर लिया। और यहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरे पास ये आ चुकी है। मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मेल पे भी भेज सकता हूँ, इसका प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ और मेल पे भी भेज लेता हूँ। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे व्यू बोर्डिंग पास। आप यहाँ पे देख ले, व्यू बोर्डिंग पास का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है व्यू बोर्डिंग पास। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका बोर्डिंग पास जो है ये इस तरह से आ जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिब्रूगढ़ टू कोलकाता, और उसके बाद में ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलकाता टू जयपुर, ये बोर्डिंग पास आ गया। इसको आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ में, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ईमेल पर भी भेज सकते हैं। तीनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर जैसे ही ईमेल पे सेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाता है कि आपकी ईमेल के ऊपर भेज दिया गया है, क्लोज कर देवे। और अभी आपको जाना नहीं है, बल्कि आपके लिए जरूरी बात यह है कि आपने ये तो सीख लिया है कि सस्ती फ्लाइट टिकट कैसे करें, बोर्डिंग पास डाउनलोड करना बता दिया मैंने, बैगेज टैग डाउनलोड भी करना भी बता दिया है। लेकिन जरूरी बात यह रह गई थी कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें, साथ ही नीचे कमेंट के अंदर आपको जय हिंद जरूर लिख देना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जय हिंद लिख देवें। साथ ही आपके जो भी आपके मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपका कोई ग्रुप हो जिसके अंदर आप हो, डिफेंस का हो, आर्मी का हो, या फिर किसी भी डिफेंस कोटे का हो, उसके अंदर इस वीडियो को शेयर जरूर कर देवें, ताकि आपके साथ दूसरे जो साथी हैं आर्मी पर्सन है या डिफेंस पर्सन है वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।